हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगेश्वर, आपके फैंस के ना कुछ ऐसे फरमाइशें थी, बोलते कि एक तो आप पहलवान तो हैं ही, आप डीएसपी हैं, तो आपके लिए एक डायलॉग उन्होंने दिया था कि अगर योगेश्वर हमें बोल के दिखाएं तो डायलॉग ये है कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो डायलॉग सनी देओल का है, मेरा कहूंगा सनी देओल का है, पर मैं तो चाहते हैं आपकी आवाज में सुने। अच्छा, इनको इतना पता है कि सनी देओल का डायलॉग, वाह क्या बात है। फिल्में 2-3 नहीं देखी आपने? टीवी पे तो बहुत सारी देखी है, टीवी पे फिल्म नहीं छोड़ते हैं, ऑल पे कम देखते हैं। अच्छा, मेरी भी आ रही टीवी पे अभी वापस, वो देखी थी आपकी, वो 3-4 हीरोइन होती है उसमें। वैसे फिल्म ही होगी ना वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। किस किस को प्यार करूं? हाँ वही 4 बीमे वाली। चार थी, ज्यादा थी, 4 थी। अब तो वैसे एक ही होगी ना, वैसे तो पसंद हो। वो तो फिल्मों में होता है नी, 4-4, असल में तो एक ही बहुत संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी। तो योगेश्वर, आपके फैंस चाहते कि ये डायलॉग मैं आपको दूं कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। देख के बोलना है वैसे। देख के बोल दो आप, ये लो। कातिया बोलना है, कपिल बोलना है? जो आपका मन करे कपिल बोल देंगे। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, ये नहीं, ये हाँ। ये तो उंगली होगी। ये 2.5 किलो का था कपिल। हाँ। जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। वाह, ऐसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारे पहलवान साहब, ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षा लेते हैं जानबूझ के, बड़े चला के हमारे दर्शक। साक्षी, वहां पे आपके लिए भी एक डायलॉग है। हमारा नाम से कुसुम सांगवान और या मैं रिसेंटली पिंकी हम राम दस कॉलेज दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट हूँ, जिला जजर 12-45 दिवस साधार, फोन नंबर मैं दूँ कौन है। अरे क्या बात है, वाओ, क्या बोला है ना, मतलब इतने फ्लो में तो कंगना ने भी नहीं बोला था। मनिका, आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा क्यूट डायलॉग है, और जिन्होंने ये बोला है वो भी बहुत अच्छी है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी मुझे लगता कह रही कि मैंने भी वोट डाली है, आप भी वोट जरूर डालें। पर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो मैं एक्चुअली ना, आज जितने भी सवाल हैं वो सब आपके फैंस की तरफ से आए हैं, तो इन्हीं में से एक का सवाल था कि कहते हैं कि योगेश्वर, अखाड़े में आपने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है, तो घर में जब आपका सामना होता है मैडम से वहां पे क्या होता है? आप वाली सिचुएशन मेरी है। तो मतलब फिर पहलवान ऊपर से डीएसपी, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। मनिका, एक ना बच्चे का सवाल था, वो बोलते कि टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना वो फुर्तीले बड़े होते हैं, मतलब कोई भी खेल खेलो आपको फुर्तीले होना ही पड़ता है। मैंने ना एक टेबल टेनिस का वीडियो देखा था, ब्रूसली का, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें बड़ी फास्ट फास्ट खेल रहे हैं, है ना, एकदम से, एक तो छोटी सी बॉल, ऊपर से इतना ध्यान रखना कब आ रही है कब जा रही है। तो सबसे पहले तो उसको शुभकामनाएं जिसके आपके साथ शादी होगी, क्योंकि इतनी नजर रखनी छोटी सी बॉल पे, तो इतना बड़ा पति उस पर तो नजर रखे। एनीवेज, सवाल ये था, तो वो छोटी बच्ची का सवाल था, कह रही थी कि इतनी फुर्तीली होंगी मनिका तो इनको घर में अगर कोई चूहा आ जाता होगा तो मशीन रखने की तो जरूरत नहीं, खुद ही पकड़ देती। वैसे ही पूछ रही थी बच्चे की, आप क्या करती हैं उसकी फुर्ती के लिए? आप वर्कआउट तो करती होंगी ऑब्वियसली, आपकी खाना पीना, वो पूछना चाहते थे एक्चुअली। हमारी रिफ्लेक्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो अच्छा करते हैं कि हम टेबल पे जितनी जल्दी बॉल आती है उतना जल्दी रिएक्ट कर सके, तो उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं।
अच्छा हाँ, और चूहे पकड़ने वाली टेक्निक मैं आपसे सीखूंगी, आपके घर में होंगे तो योगेश्वर आप कभी कभी आप इंटरव्यू में दिखाई देते हैं तो, लेकिन आपसे बातें करके इतना मजा आता है बिकॉज आप लोग एक छोटी सी जगह से निकल के आज इस स्तर पे आपने अपनी पहचान बनाई है, तो इतना मजा आता है। मैं बोलता था, मैं आपको बताऊं कि आपके ये शो देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक जो प्रेशर होता दूर होता है। मैं ओलंपिक की बताता हूँ आपको, उस टाइम में मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा देखता था ओलंपिक के जो हमारे ड्रॉ निकलते हैं वेट के टाइम में, मेरे उसमें ग्रुप में सभी वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड गए, सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक के मेडलिस्ट सभी थे। टेंथ प्रेशर तो सब पे होता है, पर मैं आपका शो देख के वो प्रेशर दूर करता था। उस कुश्ती से पहली बारी रात को ही मैंने आपका शो देखा था, तब मैं सोया था। अगर मैं वो नहीं देखता शायद मेरे को नींद आती प्रेशर में, पर आपका शो देख के ये होता है एक प्रेशर जो हम पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो दूर होता है, कुछ हंसने का मौका मिलता। और उस प्रेशर में बहुत जरूरी है अपने आप को फ्रेश रखना, अपने 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 दिमाग को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्या बात है, चलिए हमें बहुत खुशी हुई कि हम थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं, आपको रिलैक्स कर पाते हैं। वैसे योगेश्वर आप फिल्में फिल्में देखते हैं कभी? कम देखने मौका मिलता, पर मैं आपके शो तकरीबन देखता हूँ, और हॉल पे तो शादी होने के बाद ही देखने का कुछ मौका मिला। गए थे बीवी के साथ फिल्म देखने? दो तीन बार जबरदस्ती ले गई है तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैं जिसकी फिल्म देख लेता हूँ वो एक्टर वो एक्ट्रेस अच्छी लगने लग जाती है मेरे को, ये नहीं कोई वो है। बहुत अच्छी बात है। और आपका आपका कोई फेवरेट एक्टर हो मनिका? एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? यस। वाओ, वो करने वाली क्या बात है। और आप भी इस बात मजाक था मजाक था मजाक था हमारे साथ ऐसा होता है तकरीबन, हीरो लोग को लोग बोलते रहे हम आपके फैन हैं, हमें देखे आप बड़े क्यूट हो, हमको नहीं मांगता है। अच्छा आपका आपका कोई फेवरेट एक्टर साक्षी? नहीं कोई ऐसा स्पेशल नहीं आपका है, तो पर्सनल एक्टर ही बड़ा क्या बात हाँ, है ये बात है, ये तो है, मैं तो पर्सनल एक्टर इतना स्मार्ट है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़